हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए आ गई हूँ नई ब्लॉग लेके एज यूजुअल की तरह। तो आज ब्लॉग है, बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मॉर्निंग हो रही है, तो पहले ही आज मैंने नींद से उठ के सोचा कुछ साफ़ सफाई कर लूँ, तो वो आपके साथ शेयर किया। तो इसके बाद जाऊँगी मैं ग्रीन टी पीने। एंड आज सोचा था आपके साथ स्किन केयर शेयर करूँगी रूटीन, बट हुआ नहीं। तो उस मैं नेक्स्ट ब्लॉग में स्किन केयर शेयर करूँगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब। एंड बहुत सारी स्ट्रिंग वीडियो हो रही है कि आप प्लीज़ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करें, तो दैट्स वाई मैंने सोचा तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। आज मुझे थोड़ा स्किन केयर के लिए टाइम नहीं मिला, वरना मैं शेयर करती। तो कुछ फर्नीचर हस्बैंड ऑर्डर किया था, उन्होंने बनवाया है कस्टमाइज, तो वो आने वाला है, तो वो शेयर करूँगी। तो चलिए ग्रीन टी पीऊँगी और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। এটা উপরে একটু তোলো, মানে ছড়ি দাও না, এটা উপরে তুললে আমার তাৎক্ষণিক হয়ে যাবে। দাও দাও, আমি কি বলছিলাম, দাও 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 পুরো দরজাটা খুলবে একটু, দেখুন তো, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই অতটা যথেষ্ট খুললো, ওইটাই হলে হবে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, দেখো দেখো আমার জিনিসগুলো সব এটাও তো সিমি, একটু বেশ চড়া, এটা একটু চড়াটা তাই। ও হ্যাঁ, এটা কি ছোট মন্দির, একটু বই থাকবে, একটু ধরবে এটাও কাঁচ লাগিয়ে দেবো। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही, ये देखिए, ये मेरे पर बेडशीट थी जो है फटी हुई थी, तो पुरानी थी, तो मैंने सोचा तो इससे चलिए एक रग बनाती हूँ कारपेट। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कारपेट बनाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो सबसे पहले मैं एक बेडशीट ले रही हूँ, तो आप इसकी जगह साड़ी भी ले सकते हो या कुछ बड़ा सा कुछ और भी कपड़ा ले सकते हो, अगर आपके पास थान वगैरह होगा तो पुराना। तो मेरे पास ये फटी हुई चादर थी, जिसको मैंने चार फोल्ड में मैंने फोल्ड करके इसको मैं बीच सेंटर से पहले एक स्लीट लगाऊंगी इस तरह। तो अक्सर हमारे घर में फटे हुए पर्दे या फिर कपड़े साड़ी या वगैरह चादर रहते हुए, तो उनको वेस्ट ऐसे फेंक देते हैं हम लोग, तो उनको फेंका मत कीजिए, उनसे आप ऐसा कारपेट बना सकते हैं, बहुत कुछ बनता है। तो आज आपके साथ मैं कारपेट शेयर कर रही हूँ, तो देखिए आप लोग कैसे मैं बनाती हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं मैंने बीच से एक स्लिट दे दिया है, तो अभी मैं एक पार्ट को मैं इसको अलग करके रख दूँगी इस तरह। अब इस कॉर्नर को मैं लेके अब इसे मैं देख रही हूँ, मैं इसे करीब मैंने एक इंच या डेढ़ इंच के करीब, आप दो इंच भी ले सकते हो, लेके मैं इसको एक लंबा सा इसको मैं स्लीट दूंगी जिस तरह से देख रहे हैं। इस तरह से कैंची से काटना है हमें, तो ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, झटपट से बनने वाली है, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगी बेडशीट।
बहुत ही इजी है, तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। वेस्ट बेडशीट्स को ना फेंके, उनको यूज़ करें, इस्तेमाल करें। तो इस तरह से मैं देख रहे हैं, मैं एक लंबा सा स्ट्रिप्स काट रही हूँ, तो इस तरह मैं पूरा स्ट्रिप काट के मैं एक जगह में रख लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी। ये रहा, देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं इनको ओपन कर लूँगी, तो ओपन करने से दो दो जो होता है जो रस्सी जो निकले हैं इस टाइप का, तो इन दो को मैं एक साथ कर लूँगी इस तरह से। मैं ये रहा, देखिए लंबे लंबे मैंने स्ट्रिप्स काटे हैं, तो दो को एक साथ जोड़ लूँगी इस तरह। मैं और दो पहले इनको ओपन कर लूँगी इस तरह, फिर इस तरह ओपन कर, हाँ फिर इस तरह इसको कर लूँगी। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ, तो मैं घर में इस तरह बना रही थी मैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, शायद आपको मदद मिले। आप भी ना वेस्ट अच्छा धर फेंके, कभी फट जाते कभी जल जाते आयरन करते वक्त, तो उसको इस तरह से मैं इस्तेमाल के करें। अगर रंग भी चला गया ना, तो फिर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, बाथरूम के सामने देख सकते हो, किचन में देख सकते हो, बहुत ही काम का है। और ये कपड़ा क्वालिटी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे फट गई थी बीच से ही ऐसे में, क्वालिटी बहुत अच्छे, तो बहुत दिन तक चलेगी आपकी कारपेट। तो चलिए इस तरह से मैं देखिए, मैं सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है, तीन तीन दो दो करके से छः हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बोर्ड लिया है, बच्चे के जो एग्ज़ाम बोर्ड होते हैं वो, इसको मैं इस तरह से लगा लूँगी इकट्ठा करके। और इसको मैं अभी जो मैं कर रही हूँ, इसको मैं ब्रेडिंग ब्रेड कर रही हूँ, इसको बिनोनी जो बोलते हैं हम लोग, जिससे हम लोग बाल बांधते हैं, ब्रेड करते हैं, उस तरह से इसको बनाना है। कोई झंझट नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है, आप लोग इजीली बना सकते हो घर में, बहुत ही इजी है। इस तरह से ब्रेडिंग करते जाना है, बहुत ही फास्ट एंड इजी वे में हो जाता है, ज़्यादा कोई सिलाई की झंझट भी नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो फटे हुए चादर और साथ में ग्लू गन, बस ये दो चीज़ हो जाए तो ये आपका रेडी है। बहुत ही ईजी, झटपट और वेस्ट मटेरियल से बन रहा है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए अपने घर में आप लोग। तो देखिए इस तरह से मैं ब्रेड बना रही हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है, बस ब्रेड बनाते जाइए, ये अल्टीमेटली अटला सुंदर ही लगेगा। आप लोग देखिए प्रो वीडियो को। तो मेरा घर तो बहुत सारे हाथों को काम से सजाया हुआ है, जैसे आप लोग ने देखा ही होगा। अगर मेरा होम टूर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरा होम टूर वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ पे देखिएगा मैंने कितने अपने हाथों से काम किया हुआ है, घर का सजाया है, तो मुझे हाथों का काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए ब्रेड सब रेडी है, ये रहा, तो अब इनको सब इकट्ठा कर लूँगी। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब चाहिए ग्लू गन बस, और कुछ नहीं चाहिए। ग्लू गन को मैं इस तरह से पहले ग्लू थोड़ा सा निकाल लूँगी यहाँ पे, तो इसमें ये हॉट ग्लू गन यूज़ कीजिएगा, तो बहुत इजी हो जाता है काम, कि इससे बहुत अच्छे चिपक जाती है। बस इसको देखिए इस तरह से राउंड कर लेना सर्कल, इस तरह से फिर मैं ग्लू लूँगी, और फिर से मैं इसको मैंने इस तरह से राउंड कर लिया है इस तरह से, फिर से थोड़ा सा ग्लू, फिर से सर्कल बना लिया मैंने, ये रहा, तो फिर से मैंने सर्कल बना लिया, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से मैं सर्कल में करते जाऊंगी, गोल गोल घुमाते जाऊंगी जब तक कि ना ये पूरा कारपेट रेडी हो, ये रहा। बहुत ही फास्ट एंड इजी है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितनी झटपट हो रही है, कुछ ही मिनटों में मेरी कारपेट रेडी हो जाएगी वेस्ट मटेरियल से, और बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। प्लीज़ वॉच कीजिए, स्टे ट्यून रहिए, ये रहा। तो मेरी कपड़े जो चादर की जो प्रिंट थी ब्लैक एंड रेड में थी, तो इसलिए इसकी टेक्सचर भी बहुत ही सुंदर आ रही है इसकी, देखिए ब्यूटीफुल कारपेट बन रही है इस तरह से, ये रहा। और थोड़ा सा ग्लू गन, तो ग्लू गन
सभी के घर में आजकल ये अवेलेबल होते हैं इजी, क्योंकि क्राफ्ट्स में लगते हैं, तो इसलिए ये रेडी, ये रहा देखिए रेडी हो चुका मेरा कारपेट। देखिए ब्यूटीफुल कारपेट, अब बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छा बनाई रहा। देखिए आप इजीली घर में डेकोरेट कर सकते हैं, ये रहा बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल एंड जल्दी से बनने वाला वेस्ट चद्दर से, ये रहा। और ये रहा मैंने एक कमरे में रख भी दिया, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, स्मॉल क्यूट एंड ज़्यादा बड़े रख भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो ये स्मॉल ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए थैंक्स, बाय बाय।